खबर भोपाल से है। भोपाल मध्य प्रदेश के सामानों की देश के अन्य प्रदेशों के साथ ही दूसरे देशों में भी डिमांड बढ़ रही है। अन्य सामानों के अलावा यहां का सूती कपड़ा और सूती धागा तो बांग्लादेश तक को भी भेजा गया है। यही कारण है कि ये सामान यहां से बड़ी मात्रा में बाहर भेजा जा रहा है। भोपाल रेल मंडल के आंकड़ों से ये तथ्य सामने आया है। अधिकारियों के अनुसार मध्य प्रदेश के सूती कपड़ा और सूती धागे की हवाड़ा और बांग्लादेश में जबरदस्त डिमांड है। ये सामान औद्योगिक क्षेत्र मंडी द्वीप से भेजा जा रहा है। कोरोना संक्रमण काल में रेलवे ने प्रदेश भर के व्यापारियों को बाहर सामान भेजने के लिए प्रेरित किया। अन्य सामान सहित सूती कपड़ा और सूती धागा देश के अन्य प्रदेशों व बांग्लादेश के बेनापोल भेजने में मदद की। इसका यह असर हुआ कि चालू वित्त वर्ष में मंडी द्वीप से 360 टन सामान बेनापोल व 556 टन सामान हावड़ा के संक रेल भेजा गया। कपड़े और धागे की डिमांड बढ़ने से रेलवे को भी जबरदस्त लाभ हुआ है। हावड़ा और बांग्लादेश तक इन सामानों को भेजकर भोपाल मंडल ने 1.69 करोड़ रुपए कमाए। चालू वित्त वर्ष 2021 से 2022 में अप्रैल 2021 से 21 मार्च 2022 तक कुल 360 टन सामान भेजा गया। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार इसमें सूती धागे, सूती कपड़ा के अलावा रोजमर्रा की वस्तुएं भी शामिल है। बांग्लादेश के बेनापोल में मंडी द्वीप रेलवे स्टेशन से 103 वीपीयू व 7 एसएलआर भेजे गए। इसके अलावा अतिरिक्त 556 टन सामान 24 वीपीयू एवं 1 एसएलआर में पश्चिम बंगाल के संक रेल भेजे गए। कपड़ों और धागों की क्वालिटी अच्छी होने और दाम कम होने से डिमांड बढ़ी। इस प्रकार मंडी द्वीप से बेनापोल व संकरेल के लिए कुल 3,563 टन सामान भेजा गया। एक्सपर्ट बताते हैं कि दरअसल यह अब बड़े पैमाने पर सूती धागे और उत्पादन हो रहे हैं। सूती कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रही है। कपड़ों और धागों की क्वालिटी अच्छी होने और दाम कम होने से डिमांड बढ़ी है।